फ्रेंड्स, मैं शिवा फ्रॉम शिवास किचन। और अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें विद बेल आइकॉन। और आज शिवास किचन में आपके लिए है अरवी गोश की करी, और जो मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बनाने की रेसिपी बताने जा रही हूँ। और इसके लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो कुछ इस तरीके से है। हमने बोन वाला गोश्त लिया है हाफ के तो जी। फ्रेंड्स, इसके अलावा मैंने 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है, 1/4 टी स्पून गरम मसाला पाउडर है, 1 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर है, और 1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर है, 1 ऑनियन है जिसको फ्राई किया है कट करके, ये 1 इंच का नारियल का टुकड़ा, और ये 1/4 टी स्पून खसखस। ये ऑप्शनल है, अगर आप इसको डालेंगे तो इससे मज़ा बहुत अच्छा होता है, नहीं तो बिना खसखस के भी ये करी बनती है। इसके अलावा मैंने कोरिएंडर लिया है, गार्निशिंग के लिए हमें कोरिएंडर चाहिए होगा। मीडियम साइज की 2 अदद प्याज लेनी है हमें, एक हमने तल के डालनी है जो आपको दिखाया है, और दूसरी से हम बघारेंगे। 250 ग्राम अरवी ली है मैंने, और एक टोमेटो इसको चॉप करके डालेंगे, 1 टीस्पून जिंजर और 1 टीस्पून गार्लिक का पेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करी को बनाने के लिए। फ्रेंड्स, जैसे आप देख रहे हैं, मैंने कुकर के अंदर ऑयल लिया है, 100 ml ऑयल है ये, और अब इसके अंदर हम चॉप की हुई ऑनियन को ऐड करेंगे। अच्छी तरीके से ऑयल गर्म हो जाए तभी आप चॉप की हुई ऑनियन को ऐड करिएगा। और दूसरी तरफ हमें ये करना है, जो मैंने आप तली हुई प्याज, नारियल और खसखस दिखाई थी उसको एक साथ पीसना है, और वो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे जब इसके अंदर हम गोश्त डाल देंगे। पहले थोड़ी देर फिर इस ऑयल के अंदर भुनेंगे, हमें समझ में आने लगेगा कि अभी ये भून चुका है। फिर एज यूजल जैसे मैं बताती हूँ, उसके फौरन बाद हमें करना ये होता है कि इसके अंदर 1 टेबल स्पून गार्लिक और 1 टेबल स्पून जिंजर का पेस्ट डालेंगे। फिर जैसे हमें ये लगेगा कि अदरक लहसुन थोड़ा सा भून गया है, फौरन ही हम इसके अंदर सबसे पहले हल्दी को ऐड करेंगे। इससे हल्दी की जो एक कच्ची महक होती है खाने में वो चली जाती है। मैंने ये अरवी को इस तरीके से कट कर लिया है। अब दूसरी तरफ हम अरवी को फ्राई करेंगे। बिना फ्राई करे अरवी मत डालिएगा, उसका जो मज़ा होता है वो दोबाला हो जाता है अगर हम अरवी को फ्राई करके इसमें डालें। तो ये धीरे धीरे भुन रहा है, तब तक हम अरवी को फ्राई करते हैं। अब जब लगेगा कि थोड़ा सा मसाला अच्छे तरीके से भुन गया है, तब हम इसके अंदर सारे मसालों को डालेंगे, नमक को शामिल करेंगे। नमक डालेंगे हसबे जायका, और जब लगेगा मसाला भुन गया है तब हम इसके अंदर चॉप किए हुए टमाटर को ऐड कर देंगे। बस अब आप देख रहे हैं जिस तरीके से मसाला भुन चुका है, और हमने गोश्त को भी शुरू में हल्का सा भून लिया था ऑयल के साथ। मैंने रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है, अगर आप चाहें तो इसमें मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल या कोई भी ऑयल से आप इसे बना सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी बनता है सालन। तो अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसको सीटी लगा देंगे। तो हम इसके अंदर 1/2 कप वाटर ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा वाटर नहीं ऐड करेंगे क्योंकि जो गोश्त होता है वो पानी छोड़ता है, और इसमें मैंने टोमेटो भी ऐड जो की उससे भी पानी करी में आएगा, तो बहुत पानी पानी हो जाता है। तो बस अब 1/2 टी स्पून केवड़ा वाटर, इंतज़ार है गोश्त के गलने का। गलने के बाद मैं बताती हूँ कि किस तरीके से आपको ऐड करना है वो मसाला जो मैंने अभी आपको बताया था, और इसको सीटी लगा देंगे 2 सीटी, और इसको मैं 10 मिनट्स लो फ्लेम पे रखूंगी। और फिर मैं बताती हूँ जो मैंने मसाले दिखाए थे उसको मैं ग्राइंड करने जा रही हूँ, और वो किस तरीके से ऐड करेंगे। इसके दरमियान हमें जो अरवी दिखाई थी उसको फ्राई कर लेना है। तो फ्रेंड्स, देखिए 2 सीटी और 10 मिनट्स के बाद इस तरीके का दिख रहा है ये, कि जो मैंने आपको तली हुई प्याज, खसखस और नारियल दिखाया था उसका मैंने पेस्ट बना लिया है, वो मुझे इसमें ऐड करना है। और उसके बाद ये देखिए, मैंने अरवी को तेल में फ्राई कर लिया है, इससे इसका मज़ा बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर गैस ऑन करके इसको थोड़ा सा भूनेंगे, क्योंकि अरवी फ्राई कर ली है इसलिए अरवी गलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये थोड़ा भुनने के बाद हम इसके अंदर अब 1 सीटी लगा देंगे, और 1 सीटी के बाद ये तैयार हो। तो चलिए इसको भूनते हैं, इतना कि इसके ऊपर थोड़ा बहुत तेल आ जाए जिससे चिकनाई बहुत अच्छी आएगी। कि जैसे आपको दिख रहा है अब ये ऑयल ऊपर आने लगा, इसका मतलब मसाला भून गया है। इस समय थोड़ा सा भून के मसाला फिर सीटी लगा देना है। तो तकरीबन ये भुन चुका है। साइट में भी जब भी आप कभी भी कोई भी सामान भूने
तो उसके जो ये साइड में लगने लगती है करी सब्जी किसी भी चीज़ में, तो उसको ज़रूर हटाते रहा करिए, नहीं तो ये जल जाता है। जो साइड में लगता है खाना वो जलने लगता है, वो करी वो मसाला वो जलने लगता है, तो उससे जो होता है वो हमारा खाना थोड़ा बदमज़ा हो जाता है या कड़वाहट आ जाती है उसमें। अभी ये मुकम्मल हो चुका है, अच्छी तरीके से भुन गया है। अब हम इसके अंदर वाटर ऐड कर देंगे, जो मसाला बचा था ग्राइंडर में उसके अंदर मैंने पानी डाल के, वो भी मसाला वेस्ट ना हो इसलिए हम इसके अंदर उतना पानी ऐड करेंगे जितनी हमें करी बनानी है। चलिए अब हम इसमें एक सीटी लगाएंगे, एक सीटी के बाद जो गुंजाइश होगी गोश्त में वो गल जाएगा, अरवी भी गल जाएगी, और उसके बाद करते हैं इसको डिश आउट। तो वक्त हो गया है करी देखने का, वाह बेहतरीन, देखिए जैसे आप देख रहे हैं इसकी रंगत और इस पे तरी बहुत ही बेहतरीन दिख रहा है, और इंशाल्लाह ताला खाने में भी इससे बहुत लजीज होगा, खुशबू बहुत उम्दा आ रही है। चलिए अब बारी आती है इसे गार्निश करने की, तो गार्निश करना है हमें कोरिएंडर से, चॉप कोरिएंडर मैंने इसके अंदर थोड़ी सी ऐड करी, और थोड़ी सी कोरिएंडर हम रोक लेंगे ऊपर गार्निश करने के लिए। बस अब करते हैं इसे डिश आउट, और हम लोग तो चले इसको खा के इसका लुत्फ़ उठाने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी ये डिश अच्छी लगेगी और आप ज़रूर इसको घर पे ट्राई करेंगे, और प्लीज़ मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी डिश कैसी लगी, और आपको कोई और डिश अगर बनाने का दिल चाह रहा है तो वो भी मुझे बताएं, मैं उसकी भी रेसिपी आपको दूंगी। चलिए फिर करते हैं इसे डिश आउट और खा के इसका लुत्फ उठाते हैं। मेरी डिश को देखने के लिए थैंक यू सो मच, और हाँ मेरे साथ मेरे चैनल पे इसी तरीके से बरकरार रहिए, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले विद बेल आइकॉन। बाय।